Everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Pooja Meena और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जो कि हमारे पास में एक स्पेशल स्टेन का टॉपिक है, ठीक है, जो कि आप लोगों के हिस्टोपैथोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो आज हम बात करेंगे जो स्टेन के बारे में, वो हमारे पास में गोमोरी सिल्वर स्टेन फॉर द रेटिकुलिन फाइबर्स, ठीक है. गोमोरी सिल्वर स्टेन जो होती है बेसिकली रेटिकुलिन फाइबर्स के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है. रेटिकुलर फाइबर्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है एंड इसको जो डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है वो बेसिकली जो मेथड होता है वो सिल्वर नाइट्रेट मेथड के थ्रू इसको डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, ठीक है. अब जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों को मैंने बताया, ठीक है, पास स्टेन होती है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है. सुडान भी, ब्लैक भी यूज़ होती है जो लिपिड्स के लिए यूज़ की जाती है. उसी तरीके से आज हम देखने वाले गोमोरी सिल्वर स्टेन जो होती है बेसिकली रेटिकुलिन फाइबर्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है. अब बात कर लेते हैं इसके प्रिंसिपल की, ठीक है, कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है, किस पे बेस्ड होती है, ठीक है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, वो एंटायर चीज़ हम लोग देखने वाले इस वीडियो के अंदर. तो प्रिंसिपल की हम बात करें तो इन द कनेक्टिव टिश्यू रेटिकुलिन अपीयर एज अ फाइब्रस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्रेमवर्क. देखो क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर जो रेटिकुलिन होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्रेमवर्क की तरह काम करती हैं, ठीक है. इसका जो नेचर होता है कैसा होता है वो देखते हैं. तो रेटिकुलर फाइबर्स हैव अ लो नेचुरल एफिनिटी फॉर सिल्वर सॉल्ट. देखो क्या होता है कि जो रेटिकुलिन फाइबर्स होती है उसकी लो नेचुरल एफिनिटी होती है किसके लिए, सिल्वर सॉल्ट्स के लिए. आप लोगों को पता है कि अपन जो भी स्टेन बना रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें अलग अलग कॉम्पोजिशन होता है, वो कॉम्पोजिशन अलग अलग सॉल्ट्स वगैरह से बना हुआ होता है, ठीक है. तो जो यहाँ पे जो लिपिड्स होती है उनकी लो एफिनिटी होती है किसके लिए, सिल्वर सॉल्ट्स के लिए लो एफिनिटी होती है. अब उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले प्रीट्रीटमेंट करेंगे. तो प्रीट्रीटमेंट किससे किया जाता है, हैवी मेटल सॉल्यूशन से किया जाता है, जो बेसिकली हमारे पास में फेरिक अमोनियम सल्फेट से किया जाता है. किससे किया जाता है, फेरिक अमोनियम सल्फेट से किया जाता है, जिससे क्या होता है, इन्हांस हो जाती द सेलेक्टिविटी ऑफ इम्प्रिग्नेशन विद सिल्वर इन द एल्कलाइन सोल्यूशन. जो कि हमारा सिल्वर वाला कैसा एल्कलाइन सोल्यूशन है, ठीक है, उसमें वो क्या कर देता है, उसकी इन्हांस कर देता है प्रॉपर्टी को या उसकी सेलेक्टिविटी को, जिससे वो क्या हो जाता है कि उस मेटल को ग्रेप कर पाता है, ठीक है. इज द स्टेट रेडली एबल टू प्रिसिपिटेट एज ए मेटालिक सिल्वर. देखो सबसे पहले क्या हुआ, बहुत सिंपल है, रेटिकुलिन फाइबर्स की लो एफिनिटी होती है सिल्वर के लिए, ठीक है, स्टार्टिंग में. तो पहले प्रीट्रीटमेंट करते हैं अपन किसी हैवी मेटल से, जो कि हमारे पास में अमोनियम सल्फेट से. अब अमोनियम सल्फेट से जैसे प्रीट्रीटमेंट किया जाता है तो क्या होता है कि उसकी सेलेक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है. किसके लिए इंक्रीज होती है, किसके लिए इम्प्रेगनेशन ईजिली कर पाती वो सिल्वर के लिए, किस तरह की नेचर वाले सोल्यूशन में, एल्कलाइन नेचर वाले सोल्यूशन के अंदर, ठीक है. अब देखो क्या करा, जैसे अपने उसको ट्रीटमेंट किया, ठीक है, ट्रीटमेंट के बाद में क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग नेचर हो जाएगा उसका, ठीक है. रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं अपॉन ट्रीटमेंट विद रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है. अब क्या होने वाला है कि सिल्वर टेकन अप बाय द टिश्यू इज अनरिड्यूस्ड फॉर्म. जो सिल्वर अब हम लेगा, जो भी टिश्यू, वो अनरिड्यूस्ड फॉर्म के अंदर रहेगा, यानी इसमें कोई भी रिडक्शन नहीं होगा, ठीक है, या कोई भी तरह का ऑक्सीडेशन वगैरह नहीं होने वाला है, क्योंकि पहले अपन ने प्रीट्रीटमेंट कर दिया उसको एक रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू. तो अब क्या होगा, इज कन्वर्टेड टू मेटालिक सिल्वर. अब वो मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा एंड विच इज डिपॉजिट एट द सेंसिटिव साइट्स, और डिपॉजिट हो जाएगी सेंसिटिव साइट्स के टिश्यू के अंदर इस तरीके से, ठीक है. अब बात कर लेते हैं इसके अपन रिएजेंट्स की, ठीक है. तो ये काफ़ी बड़ी स्टेन है, इंपॉर्टेंट स्टेन है. अब रिएजेंट की हम बात करें तो अमोनिकल सिल्वर सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है. तो क्या करना है, सबसे पहले आपको 10 ml लेना है ऑफ ए 10% सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है, ठीक है. उसमें ऐड करना है 2.5 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है. तो सॉल्यूशन में ऐड करेंगे अपन, वो का हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देन ऐड करना है 28% अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ऐड करना है ड्रॉप बाय ड्रॉप वाइल द शेकिंग विद अ कंटेनर कंटिन्यूसली अंटिल द प्रिसिपिटेट इज कम्प्लीटली डिजॉल्व, ठीक है. तब तक आपको ऐड करना है. देन ऐड अगेन द 4 ड्रॉप ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन फॉर एवरी 10 ml ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट यूज, ठीक है. उसके लिए ऐड करना है, मेक द सॉल्यूशन विद अ डिस्टिल्ड वाटर टू ट्वाइस इट्स द वॉल्यूम एज एसिड क्लीन द ग्लास वेयर्स, ठीक है. वो तो अलग है. अब बात करते हैं सेकेंड जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, वो हमारे पास में है कि 0.5% पोटेशियम पर मैग्नेट है. कैसे बनाना है, आप लोगों को पोटेशियम पर मैग्नेट लेना है 0.5%, सॉरी 0.5 ग्राम, और डिस्टिल वाटर में ऐड कर देना 100 ml के अंदर. अब आप लोगों को क्या करना है कि 2% पोटेशियम बाय मेटा बाय सल्फेट बनाना है. तो पोटेशियम बाय मेटा सल्फेट बनाएंगे, 2 ग्राम लेंगे एंड 100 ml में इसको ऐड कर देंगे. 2% फेरिक अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन भी बनाना है, सेम 2 ग्राम लेंगे ये और 100 ml में ऐड कर देंगे. एंड लास्ट में
20% फॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है तो फॉर्मेलडिहाइड लेंगे 20 ml, और ये लेंगे हम 80 ml, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर। एंड देन क्या करना है आप लोगों को कि 0.2% गोल्ड क्लोराइड सॉल्यूशन बनाना है। उसके लिए गोल्ड क्लोराइड सॉल्यूशन लेंगे 1% वाला 10 ml, और डिस्टिल्ड वाटर लेंगे अपन यहाँ पे 40 ml। एंड देन आफ्टर आप लोगों को बनाना है कि 2% सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन बनाएंगे। उसके लिए 2 ग्राम लेंगे हम सोडियम थायोसल्फेट एंड 100 ml डिस्टिल वाटर लेंगे। तो इस तरीके से पूरा एंटायर आप लोगों को कंपोजिशन बनाना है स्टेन के लिए। स्टेन का कंपोजिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आप लोगों को एक चीज़ डिस्क्राइब करके बता दी है। अब प्रोसीजर की बात करते हैं, तो स्टेप 1 में क्या करना है आप लोगों को, आपको डीप पैराफिनाइज करना है और हाइड्रेट करना है डिस्टिल्ड वाटर से। आफ्टर दैट आप लोगों को क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है, ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन से 1 मिनट के लिए। देन उसको वॉश करना है टैप वाटर से 2 मिनट के लिए। फिर आपको डिफ्रेंशिएट करना है किससे, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट सॉल्यूशन से 1 मिनट के लिए। अगेन आप लोगों को वॉश करना है। आफ्टर दैट आपको सेंसिटाइज करना है इन फेरिक अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन से 1 मिनट के लिए। देन वॉश करना है, वॉश इन टैप वाटर 2 मिनट्स, अलाउ द फॉलो विद चेंजेस ऑफ डिस्टिल वाटर 30 सेकेंड्स के लिए। आप लोगों को क्या करना है, टैप वाटर से वॉश करना है 2 मिनट के लिए। देन उसके बाद में डिस्टिल वाटर से 30 सेकेंड्स के लिए दो चेंजेस करना है, डिप करना है यहाँ पे, ठीक है। इम्प्रिग्नेट इन द सिल्वर सॉल्यूशन फॉर 1 मिनट के लिए करना है। आफ्टर दैट आप लोगों को क्या करना है, वॉश करना है, रेजिन करना है डिस्टिल वाटर में 20 सेकेंड्स के लिए। देन आप लोगों को रिड्यूस करना है, रिड्यूस इन द फॉर्मलिन सॉल्यूशन फॉर 3 मिनट के लिए करना है, ठीक है। आफ्टर दैट अगेन वॉश करना है 3 मिनट के लिए। देन टर्न इन गोल्ड क्लोराइड सॉल्यूशन के लिए करना है आपको 10 मिनट्स के लिए, उसके लिए रख देना। आफ्टर दैट 10 मिनट्स के बाद में आप लोगों को क्या करना है, डिस्टिल वाटर से अगेन उसको वॉशिस करना है आप लोगों को। 14th स्टेप में आप लोगों को क्या करना है, रिड्यूस करना है इन द पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट सॉल्यूशन में 1 मिनट के लिए। देन फिक्स इन द सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन के लिए 1 मिनट के लिए करना है। देन आफ्टर दैट टैप वाटर से वॉश करना है 2 मिनट के लिए। फिर उसके बाद में आपको डिहाइड्रेट करना है 95% अल्कोहल से, देन एब्सोल्यूट अल्कोहल इन 100% अल्कोहल से, एंड क्लियर करना है ज़ाइलिन में 2 चेंजेस के अंदर। देन आफ्टर दैट आप लोगों को DPX अमाउंट करना है। तो इस तरीके से आपकी एंटायर स्टेनिंग हो जाएगी। एंड रिजल्ट के लिए आप रिजल्ट में आप लोग क्या देखोगे कि राइटोडिन क्लीन फाइबर्स होती है वो ब्लैकिश कलर की नजर आएगी, जो आपका पूरा बैकग्राउंड होता है वो ग्रे कलर का नजर आता है। तो दैट इज ऑल अबाउट दी राइटोक्लीन स्टेन या गोमरिन जो स्टेन होती है उसके बारे में आप लोगों को बता दिया कि उससे क्या होगी, आप लोगों के रेटिकुलम फाइबर्स होते हैं वो स्टेन हो जाती है। दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। एंड आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है उसके लिए आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।